हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास फिफ्थ की हिंदी बुक, हिंदी ग्रामर की बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर 5 शब्द विचार पढ़ेंगे। ओके, शब्द भंडार। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जिसे क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे विलोम शब्द, फिर अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद में पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, फिर अनेकार्थी शब्द शब्दों के बीच में हम थोड़ा सा अंतर पढ़ेंगे, मतलब दो शब्दों का अर्थ एक ही जैसा होता है लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें अंतर होता है। तो ये सभी हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला, बदले में आने वाला जो शब्द एक दूसरे के बदले प्रयुक्त हो सके उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे भोजन और खाना, दोनों का मीनिंग, दोनों का अर्थ क्या है, सेम है। ओके, भोजन की जगह खाना भी प्रयोग कर सकते हैं और खाना की जगह भोजन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, यहाँ पर आपके बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। अमृत, अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या है, अमृत शब्द को और क्या क्या कह सकते हैं, अमी, मधु, सुधा, सोम, सुरभोग, पीयूष, सोमरस। ओके, इसके अलावा है आपका अचरज, अचरज का आश्चर्य, अचंभा, कुतूहल, विस्मय, कौतुक। अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, तमिश्र, ध्वांत। इसके अलावा बहुत से यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द दिए हैं इसे आपको स्वयं पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ जो पिक्चर दिया है, यहाँ पर चित्र दिया है, वो कौन सी है, कौन से फ्लावर है, कौन से फूल है, कमल। ओके, तो कमल लोटस है, कमल को और क्या कह सकते हैं, कमल, जलज, पंकज। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, पद्म, अरविंद, सतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन। नेक्स्ट पिक्चर में, नेक्स्ट चित्र में हम देखते हैं यहाँ पर आँख, आँख को और क्या कह सकते हैं, आँख, नेत्र, लोचन, नयन, दृग, अक्षी, अंबक, दृष्टि, विलोचन। ये सभी क्या है, यहाँ पर बहुत से पर्यायवाची शब्द दिए हैं, उसे आपको स्वयं पढ़ना है ध्यान से। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर थर्टी। नेक्स्ट किसान, पेज नंबर 30 में जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है सबसे पहले किसान, किसान को और क्या कह सकते हैं, काश्तकार, क्षेत्रक, क्षेत्रपति, हलधर, हलवाहा और कृषक। ओके, कौवा, कृष्ण, कौवा, कौवा को हम देख सकते हैं, काक, काग, काक, द्रोड़, एकाक्ष, चक्री, वायस। तो ये यहाँ पर पेज नंबर 30 में भी बहुत से यहाँ पर क्या दिए हैं, पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इसे आपको स्वयं ही पढ़नी है। ओके, स्वयं को ही ये सेल्फ में रीडिंग करनी है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट विलोम शब्द। विलोम शब्द मीन्स उल्टा, विपरीत। ओके, तो जो शब्द आपस में उल्टा अर्थ रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द या विपरीतिक शब्द। जैसे सुख शब्द का उल्टा क्या है, दुख, अतः दुख शब्द सुख का विलोम शब्द है। ओके, तो यहाँ पर आपकी पेज नंबर 31 पे यहाँ पर बहुत से विलोम शब्द दिए हैं, जैसे अनाथ, अनाथ बच्चों आपको पता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके मम्मी पापा नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, अनाथ। और उसका विलोम क्या होगा, सनाथ, सनाथ मीन्स विथ देयर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता, जिनके माता पिता होते हैं। ओके, अल्पायु, दीर्घायु, अल्पायु मीन्स जिनकी आयु बहुत कम होती है, दीर्घायु मीन्स लंबी आयु वाला। अमृत, विष, उदय, अस्त, अनुकूल, प्रतिकूल, आशा, निराशा, आस्तिक, नास्तिक, आय, व्यय। ये सभी बहुत से यहाँ पर विलोम शब्द दिए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है। ओके,
जैसे यहाँ पर दिया है इच्छा, इच्छा का क्या आएगा अनिच्छा, ओके। और देव, देव का क्या है दानव, जिसे राक्षस भी कहते हैं। नूतन पुरातन, तो इसी तरह आपको ये सेल्फ में पढ़नी है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक शब्द के लिए हम कौन से शब्द, अनेक शब्दों के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। तो पेज नंबर 32 में दिया है ये। पहला एग्जांपल लेते हैं, जिसका जन्म ना हो उसे क्या कहते हैं अजन्मा, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु, जिसका अंत ना हो उसे अनंत, जिसका वर्णन ना किया जा सके उन्हें अवर्णनीय, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, जहाँ कोई ना जा सके अगम्य, जो दिखाई ना दे अदृश्य अदृश्य अदृश्य, ओके। जो कहा ना जा सके अकथनीय, बिना वेतन का काम कर अवैतनिक, जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय। तो यहाँ पर बच्चों बहुत से दिए हैं। जो बड़ा भाई है उसको क्या कहते हैं अग्रज, बड़ा भाई के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं अग्रज। छोटा भाई अनुज, छोटे भाई के लिए शब्द यूज करते हैं अनुज, ओके। पल भर रहने वाला क्षणिक, और बुरी राह पर चलने वाला कुमार्गी, शीघ्र चलने वाला द्रुतगामी, और देश में घूमना मतलब देश में भ्रमण करना उसको देशाटन, ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 33। आगे की सोचने वाला दूरदर्शी, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, प्रति सप्ताह होने वाला साप्ताहिक, प्रति मास होने वाला मासिक। तो यहाँ पर भी बहुत से ऐसे दिए हैं, क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं, आपको ये पढ़ना है, ओके। जैसे यहाँ पर दिया है बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक वर्षा होती है तो इसको क्या कहते हैं अतिवृष्टि, ओके। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उन्हें क्या कहते हैं नास्तिक, ओके। और नष्ट होने वाला को क्या कहते हैं नश्वर, ओके। तो इस तरह से आपको ये सभी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, कुछ शब्दों के प्रयोग अनुसार अनेक अर्थ होते हैं, मतलब एक ही अर्थ के एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अंक 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 क्या होता है, एक तो गिनती के अंक होते हैं नंबर्स होते हैं, और नाटक का भाग को भी क्या कहते हैं अंक, और जो चिन्ह होते हैं और गोद उसे भी क्या कहते हैं अंक। नेक्स्ट है अंग, अंग मीन्स बॉडी पार्ट, ओके। तो यहाँ पर भाग अंग को क्या बोलते हैं, भाग भी बोल सकते हैं और शरीर का भाग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्थ, अर्थ क्या है, अर्थ का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है धन मतलब कारण और लिए, ये सभी क्या है ये एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 34। नेक्स्ट अक्षर, अक्षर क्या है जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, उसे वर्ण अक्षर किसे कहते हैं, ईश्वर को भी कहते हैं, अक्षर आकाश को भी कहते हैं, और अक्षर सत्य को। तो सभी इन सभी का मीनिंग क्या है, ये अक्षर का ये सब मीनिंग होते हैं, ओके। नेक्स्ट है उत्तर, उत्तर एक तो डायरेक्शन होता है दिशा, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा, और एक होता है जवाब आंसर और हल, ओके। नेक्स्ट आपको ये बहुत से दिए हैं यहाँ पर, आपको ये खुद से करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं तात, तात क्या है, तात किसे कहते हैं, तात का मीनिंग क्या होता है, भाई पिता बड़ा प्यारा पूजनीय। नाक, नाक क्या है, नाक के लिए मतलब इज्जत, नासिका और स्वर्ग, ओके। नेक्स्ट पूर्व, पूर्व हम देखते हैं, पूर्व किसे कहते हैं मतलब पहले की दशा, पहले, और एक क्या होता है एक पूर्व दिशा होती है डायरेक्शन, ओके। भूत,
भूत क्या होता है, प्रेत, प्राणी, अतीत काल और पंचभूत, ये सब क्या है, भूत का मीनिंग होता है। ओके, भूत का अर्थ। नेक्स्ट पेज नंबर